की आवाज। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गृह मंत्री अमित शाह के नेहरू वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो यही बोल सकते हैं। मनोज झा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नेहरू से डर है तो इसका एक अलग मंत्रालय बना लेना चाहिए। लोकसभा में नेहरू पर 12 घंटे की चर्चा का भी मनोज झा ने चैलेंज दिया। देखो, जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है, कम पढ़े लिखे हो, जानकारी जुटाने की जिज्ञासा भी ना हो, जिनका पूरा ट्रेनिंग संघ के वो 54 छाप किताब में हो, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। अरे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पत्र पढ़िए, महादेव देसाई के लास्ट पेज को देखिए, बड़ी मोटी किताब है, किसी से पढ़वा लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं तो सीधे ये मानता हूँ कि अगर इतना ही नेहरू का खौफ है आज भी आपको, एक तो अपना एक डिपार्टमेंट बनाइए मोदी जी की, मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय, नंबर वन। नंबर दो, जवाहरलाल नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लो। दूध का दूध पानी का पानी होगा, हम दूध के साथ होंगे, आपके हाथ में सिर्फ पानी होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा चल रही है। वो म्यूजिकल चेयर्स में व्यस्त है, उनको बहुमत मिला हुआ है, जनता ने विश्वास जताया है, वहाँ के इलेक्टेड एमएलए को निर्णय लेना है लीडर कौन बनेगा, पर वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। बीजेपी में दो ही लोग निर्णय लेते हैं कौन कहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। 3 तारीख को रिजल्ट आया, 7 तारीख हो गई है और कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर यही बात कांग्रेस की होती तो आज 100 डिबेट्स हो चुकी होती, हर शाम को 9-9 PM की प्राइम टाइम पे यही डिबेट हो रही होती। दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पीएम मोदी की तारीफ की। नवनीत राणा ने कहा कि पीएम मोदी एक बेहतर लीडर हैं जो कार्यकर्ता को भी बराबर का सम्मान देते हैं। इसी के साथ नवनीत राणा ने तेलंगाना में सीएम बनने की रेवंत रेड्डी को बधाई दी। नवनीत राणा ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के लिए केवल रेवंत रेड्डी की मेहनत को श्रेय जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यही ग्रेटनेस है हमारे मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर जी का, कि खुद को उस एटीट्यूड पे ना रखते हुए और इतने बड़े पद पे रहकर सभी कार्यकर्ताओं को अप्रिशिएट करना, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया, जनता ने जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनको क्रेडिट देना, मुझे लगता है यही हम जैसे भी लोगों के लिए बहुत सीखने जैसा है। इसी को ग्रेट लीडर कहते हैं कि अपने आप को एक कदम पीछे रखकर अपने पार्टी वर्कर और अपनी जनता को आगे रखना, इससे अच्छा लीडर कोई हो नहीं सकता। सी, एज ए यंगस्टर और एज ए कलीग, जो भी ये पार्लियामेंट से जाकर अपने राज्य में खुद के भरोसे, मुझे लगता है जो सरकार तेलंगाना में आई है, मेरा बहुत पास का संबंध रहा है मेरे आंध्र और तेलंगाना के लोगों के साथ, क्योंकि 12 वर्ष काम करते वहाँ पे गुजारे, तो ये अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो ये रेवंत रेड्डी को ही जाता है, बाकी उनके कोई भी लीडर को इसका क्रेडिट जाता नहीं है। उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पर जो मेहनत, जो हार्ड वर्कर और जो उनके बोलने की पद्धत और काम करने की, तो आई थिंक ये उनका ही क्रेडिट है। और कलीग है तो हमें भी खुशी होती है कि पार्लियामेंट से निकल के एक मुख्यमंत्री राज्य का बनते हैं, इससे ज्यादा एप्रिसिएशन हो नहीं सकता किसी के लिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। अधीर रंजन ने कहा कि अगर बीजेपी ये मानती है कि पीओके नेहरू की गलती है तो पीओके को भारत में मिलाने से बीजेपी को किसने रोका। मान लीजिए नेहरू ने गलती की, जैसे कि अमित शाह जी ने और सारे बीजेपी पार्टी ने दशकों से शिकायत दर्ज करते रहे, यही है ना बात। तो मुझे कहने का मतलब, सदन के अंदर 2019 साल में जब 370 को खारिज किए गए थे, उस समय अमित शाह जी ने पीओके, सियाचिन, सब कश्मीर का हिस्सा है वो हिस्सा वापस लाएंगे ये कहते थे। मोदी जी की 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी 6 साल गुजर चुके हैं, तो उनको मतलब बीजेपी पार्टी को किसने रोका। हिंदुस्तान में तो दो बहादुर है, मोदी जी और अमित शाह जी, तीन दोनों बहादुर को किसने रोका कि भाई पीओके तुम अपने कब्जे में लाया करो। कम से कम पीओके से एक सेब भी तो ला के दिखाओ कि हाँ हमने करके दिखाए। और इसके चलते भाई ये भी कहना चाहते हैं, आज पीओके की सीने चीर कर
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, तो ये चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर जब पीओके के चीर कर बन रहे हैं, तो मोदी जी अमित शाह भी क्यों म्यू कर रहे हैं, क्यों चुप पिसाते हैं? इतना G7 में जाते हो, शंघाई कोऑपरेशन में जाते हो, G20, G24, 420 बहुत कुछ होने वाला है, तो किसने रोका इन लोगों को? बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ना होते तो बीजेपी 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत हासिल न करती। सुशील मोदी ने कहा कि पीएम के साथ साथ राज्यों में पार्टी के कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत करते हैं, जिसका फल पार्टी को मिला है। सुशील मोदी ने कहा कि आज बीजेपी के पास अच्छा नेतृत्व, सही नीति, लाखों कार्यकर्ता और संगठन है। उनका बड़प्पन है, ये बात तो सही कि देखिए कोई एक आदमी केवल जीत नहीं दिलाता, तो सही है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं होती, लेकिन जो हमारी स्टेट की यूनिट है, जो हमारे बूथ स्तर तक के लाखों कार्यकर्ता है, जब सारे लोग एकजुट होते तब जाकर जीत हासिल होती। इसलिए संगठन, नेतृत्व और नीतियाँ, कहते किसी भी चीज़ की सफलता के लिए सबल नेतृत्व होना चाहिए, नीतियाँ होनी चाहिए और संगठन होना चाहिए। आज बीजेपी को गर्व इस बात का कि हमारा नेतृत्व भी है, हमारी सही नीतियां हैं और हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं जो बूथ स्तर पर दिन रात काम करते हैं, और हमारे पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने 3-3, 4-4 पीढ़ी कुर्बान कर दिया देश के लिए, पार्टी के लिए, उन सबों को इस जीत का श्रेय जाता है।